रोशनी देवी जी, स्वागत है आपका नमस्कार मैम। जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है। भाई साहब, मैंने आपको मुबारकबाद देने की, मेरी सासू माँ जो 95 साल की है, तो आपने बताया था जैतून का नमक और मेथी, धनिया, सौंफ, आंवला सूखा पाउडर, तो मैंने उसको 8-9 दिन हो गए देखती हुई को। भाई साहब, उसकी बाथरूम की नाली निकल गई, माँ जी की, मेरे की, तो मेरे को बड़ा खुशी हो रही है। भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी दुआ देती है वो 95 साल के। भाई साहब, 95 साल। और एक भाई साहब, मैंने जैतून का नमक मंगवा लिया 3-4 बार, अब की बार कुछ भूरे भूरे कलर का जैतून का नमक आया, क्या ठीक है वो? ठीक है, पहले बहुत मुबारक। और अपनी सास के लिए इतनी तड़प, वो भी इतनी बुजुर्ग सास के लिए इतनी तड़प, मैंने इतनी तड़प किसी बहू में आज तक नहीं देखी। वो 90 साल की, तो आपकी भी उम्र अच्छी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है आपकी, जो आप अपनी सास को माँ की तरह मोहब्बत करती हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि उनको फ़ायदा दिए भगवान ने, आपने कोशिश की, इसका पुनः आपको कहीं ना कहीं मिलता है। हो सकता है मुझे भी दुआ मिल जाए, क्योंकि वो इतनी बुज़ुर्ग महिला मेरे लिए दुआ कर रही है, उनको फ़ायदा हो गया इस उम्र में, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ से अगर आपने मंगाया है नमक जैतून, तो वो नकली नहीं आ सकता हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ बाकायदा इसको चेक करने की वो है, प्लांट है, मशीन है। हमारे यहाँ से जब भी आएगा असली ही आएगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा रंग का फ़र्क हो, बरसात की वजह से या गर्मी की वजह से, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन स्वाद में उसमें सब वैसा ही रहेगा, और हमारा चेक होने के बाद ही भेजा जाता है। हम बिल्कुल एक बार भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को बगैर चेक करें, और उसके चेक करने की मशीन हमारे पास है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी रोशनी जी, कोई सवाल आपका? आपकी बड़ी सारी जिंदगी, बस मैम, आप भाई साहब की बड़ी सारी जिंदगी दे रहे हैं, हमारे से ऐसे ही बातें करते रहे, बस मेरे को यही सुनती है। हमारे नुस्खे जात से सबको फायदा पहुंचता है, और मेरे सबसे निवेदन है आपके साथ कि जिसको भी किसी मेरे मशवरे से फायदा पहुंचे, तो वो मशवरा आप आगे तक पहुंचा दीजिए, ताकि जितनी तकलीफ़ में आपकी सास थी, जाने कितने लोग होंगे, उनको भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उन तक बात पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका नमस्कार मैम। जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बहुत स्वागत दयावती बहन का। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, मैंने बहुत सारा ऑर्डर कर दिया, 5 अलवीरा की बोतल, 2 जैतून की, सिरके की, और गोंदिया, गोंद मोरिंगा, नमक जैतून, और बहुत सारे सब रिश्तेदार बोल रहे हमारे लिए मंगा लो, हमारे लिए मंगा लो, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो सब आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, मेरे को बोलते हैं ये हमारा सुलेमान बैद है। हाँ, वो तो जो आप कहेंगी वही वो कहेंगे, जितनी इज्जत आप करेंगी इतना ही वो करेंगे। और रखा करिए इसे मंगा कर, क्योंकि कभी शॉर्ट बहुत हो जाती है। मैं इसको चाहे कितना ही बना लूँ, आखिर में शॉर्ट हो ही जाती है, पता नहीं क्या है। और वो इतना मशहूर हो रहा है, इतना कामयाब हो रहा है, जिसको फ़ायदा हो जाता है वो एक दो बोतल ज़्यादा मंगा के रख लेता है। बहरहाल देखिए, जब तक फ़ायदा हो रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कर रही हैं, भगवान की मदद मिल रही है, और दोनों भाई बहन का नाम हो रहा है। काम करने वाला तो कोई और ही है, भगवान है। तो जब तक असली मिलता रहेगा लोगों को, जब तक फायदा होना मुमकिन है। जी कोई सवाल आपका दयावती जी? जी सवाल है मैम। भाई साहब, ये अलवीरा के सिरके में भी हम कई बार जैसे खत्म हो जाए जब तो उनका सिरका, तो लहसुन, अदरक, नींबू, ये भी बन इसमें भी बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं? ज़रूर ज़रूर कर सकते हैं, और ये तकरीबन वैसा ही काम करता है, ज़रूर कर सकते हैं। अनीता रावत जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत है रावत साहब। जी सर, हमारे
हमने गोमती मंगवाया था सर अपने यहाँ से, तो उससे हमको बहुत फायदा हुआ है सर, 90% फायदा हो गया है, थोड़ी सा बचा है सर, कभी कभार दर्द होता है, नहीं तो पूरा ही फायदा है। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक साल से परेशान थे सर पैर दर्द में, हमने पूरा जबलपुर और पूरी कटनी में सबको दिखवा लिया सर, फिर हमने आपका प्रोग्राम देखा और हमने गोमतिया बुलवाया सर, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। अनीता जी और कोई सवाल है आपका? जी सर, जी सर। अब सर हमारे पैरों के तलवों में थोड़ी थोड़ी झुनझुनाहट सी आती रहती सर, और लगता है खड़े होंगे तो गिर जाएंगे सर। लेकिन मैं जो भी नुस्खे आपको बताता हूँ वो अगर असली मिल जाए तो फायदा भगवान देता है, लेकिन चीज़ तो असली मिलना चाहिए। मतलब आपको रबड़ी बनानी है तो दूध ही ना मिले, उसकी जगह कुछ और चलें तो रबड़ी नहीं बनेगी, ऐसी रोटी बनानी है तो आटा चाहिए, ऐसी असली दवा बनानी है तो वो मटेरियल चाहिए जो हम बताते हैं, और असली चाहिए, नकल बहुत करते हैं लोग, आप तो जानती हैं, समझदार हैं। तो भगवान ने आपको फ़ायदा दिया, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ी रहें, और ये चीज़ों का जिससे भी आपको भगवान फ़ायदा दे इसकी पहचान कर ले, फोटो खींच लें, स्वाद का भी पहचान कर ले, और लोगों को बताएं इसके बारे में। लोग बहुत बहुत तकलीफ़ में, आपको तो सिर्फ एक साल से तकलीफ थी और लोगों को 10-10 साल से तकलीफ़ होती है, तो उन लोगों तक ये नुस्खा पहुँचाएँ तब हम आपको बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया कहेंगे, और बहुत भगवान भी खुश हो जाएगा। ये तो खुशी की बात हो गई कि आपको फ़ायदा दिया भगवान ने, तो आप खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया। अब भगवान कैसे खुश होगा? भगवान दूसरों की सेवा करने से, मैंने आपकी सेवा की, आप किसी और की कर दीजिए, बस ये सिलसिला कायम रहे, और कोई भी आदमी हो चाहे दुश्मन भी हो उस तक ये नुस्खा पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी अपनी बीमारी से निजात पा सके। और क्या सवाल था? कोई सवाल नहीं था, झुनझुनाहट थी पैरों में तलवों में। हाँ, झुनझुनाहट का सवाल का जवाब मैं दे दूँ, यही गोंद आप अभी आपके पास है भी, इसे इस्तेमाल करें और वज़न ना उठाएं। देखिए, बातचीत से मुझे आप बहुत मेहनती महिला लग रही हैं, मेहनत कम करें इलाज के दौरान, और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें, वज़न ज़्यादा हो तो कम कर लें। वज़न ज़्यादा भी एक बीमारी है, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, कम फ़ायदा हो रहा हो नहीं हो रहा हो, वज़न लिमिट में रखें अपने कद के अनुसार, तो आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। जी, मुंबई से है फरहत, स्वागत है आपका। जी, मैं हकीम साहब से पहले तो बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, कि काफी हद तक मैं ठीक हूँ। हकीम साहब, मेरी जो गर्दन में जो दर्द था, जो मुझे सर्वाइकल पेन था, काफी मुझे उसमें आराम है, और बहुत शुक्रिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको बोलने के लिए। हकीम साहब, मेरा एक सवाल है, मेरी तो तबीयत जो थी मेरी, जो गर्दन में मुझे दर्द हो रहा था, तो वो तो काफी हद तक रिलीफ है मुझे, बट वो जो दर्द है वो नीचे सड़क के, मेरे इतने कमर में दर्द होता है कि मुझसे कुछ काम नहीं होता है, और इतना वीक लगता है, ऐसा लगता है मुझे कि मैं कुछ भी काम ना करूं और सिर्फ मैं आराम करूं, और मेरे घर में अब्बा है, भाई सब है, मुझे काम नहीं, मैं अगर खाना नहीं बनाऊंगी, काम नहीं करूंगी, तो फिर कौन करेगा? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इसकी वजह से, कि मुझे मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं कुछ भी करूँ, खुद करने के लिए खड़ी होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कमर के अंदर। उम्र कितनी है फरहत आपकी? जी, मेरी उम्र है 33 है, 33 ईयर्स ओल्ड। ठीक है बच्चा, देखो अभी आपको फायदा शुरू हो गया है, हो सकता है कुछ दिन और लगें। अच्छा, काम को आपके लिए बिल्कुल मना नहीं है, आप काम करें, लेकिन मेहनत वाला ना करें, खाना वाना बनाएं खूब अच्छा अच्छा, खुद भी खाएं, भाई को भी खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, वज़न ना उठाएं, सिलेंडर ना उठाएं, गैस वाला आ गया, बम्बई में तो औरतें ही सब संभालती हैं, सिलेंडर उठा के दे दिया, ऐसा ना करें। और वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए आपके साथ, आपके घर में आपके लिए ख़ास तौर पर, अगर ये सब बातें आप करती हैं तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। मधु शर्मा जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो मैम, मनु शर्मा। मनु जी, माफ कीजिएगा मैम, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? चंडीगढ़ से। आपका सवाल? जी मैम, आप दो मेरी शिकायतें हैं और चार सवाल, मैं लगातार बोलूंगी, आप लिख लेना। बिल्कुल, बताइए। मैंने आवाज बंद कर दी टीवी की, ठीक है?
ठीक। पहली शिकायत है कि सर से कहिए वो रिटायर मत होएं, अगर उनका छुट्टी पे जाना है तो बेशक 2 महीने के लिए चले जाएं, लेकिन रिटायर मत होएं। हमें इतनी आदत पड़ गई उनको सुनने की देखने की, तो हम बहुत मिस करेंगे। दूसरा एक मेरी आंटी है रमा मेहता, तो उनकी 2-3 बीमारियों में मैंने उनकी दवाई दी अपने पास से, तो वो ठीक हो गई है। उनका फोन नहीं लगता, वो मेरे से लड़ती हैं, कहती कि दयावंती का फोन रोज लग जाता है, वर्मा जी का रोज लग जाता है, मेरा क्यों नहीं लगता। तो प्लीज ब्यूटीफुल मैम अपने टीम से कहिएगा कि उनका फोन आए तो जरूर बात करा दें। दूसरा भाई जान, मेरी बेटी ने ना गोंद मरिंगा खाई, उसके बालों में गैप है, तो बचपन में उसको ना इन्फेक्शन हो गई थी पार्लर से, तो पहले तो चट्टे से पड़ गए, वो ठीक हो गए, लेकिन अब भी देखने से ना उसमें गैप आता है। तो मैंने उसको नंबर दिया था आपका, तो दिल्ली में रहती है, उसने गोंद मरिंगा खाया दूध के साथ 100 ग्राम पूरा। दूसरा सवाल है, मेरी भाभी हैं, उनको पिन्नियों में दर्द होता है, एड़ियों से ऊपर टांगों का हिस्सा होता है ना बैक व बैक साइड में, पिन्निया बोलते हैं उसको, उसमें दर्द होता है। तीसरा, मैं थायराइड की गोली खाती हूँ सुबह, और साथ में आपका मोरिंगा वाला नुस्खा बनाया हुआ है मैंने, तो आप कहते हो ना कि दवाई भी खाओ और वो भी खाओ, जी जी। तो मैं दोनों चीजें लेती हूँ, मेरी हल्की सी आंखों के नीचे सूजन आ जाती है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। देखिए, हमारे साथ जुड़े रहें और चाहे कितनी शिकायतें करें, जब हम जुड़े रहते हैं तो रोजाना घर भी जाते हैं, तो कभी बीवी को शिकायत, कभी किसी को, तो रिश्ता है हमारा आपका, और हर किसी को अपने लोग शिकायत कर सकते हैं, गैरों से क्या शिकायत। तो रिटायरमेंट का तो अभी 4-5 महीने हैं। सवाल बताइए इनका। बेटी को लेके बालों में गैप है, कभी प्रॉब्लम आ गई थी पार्लर से। अच्छा, बेटी को गोंद मोरिंगा दें तो अलसी मिला कर दें, आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद मोरिंगा रोज़ाना दें। मोटी सी है, मतलब बच्ची हेल्दी है तो पानी से दें, कमज़ोर सी है तो दूध से दें। एक बार दें या दो बार दें, बच्ची को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी दवा नहीं देखी। भगवान को मर्जी हुई तो फ़ायदा होना चाहिए, और मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, हालांकि मेरा कसूर नहीं, इसी से लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है और किसी किसी को नहीं भी होता, लेकिन यंग बच्ची है, उसको फ़ायदा होना चाहिए, मैं दुआ भी करूँगा उसके लिए। भाभी, एड़ियों के ऊपर की तरफ दर्द होता है? हाँ, दर्द कहीं भी हो किसी को, एड़ियों से ऊपर, पिंडलियों में, घुटनों में, थाइज में, कमर में, मोंडों में, गोंद से याद दे दिया करिए, आधा आधा ग्राम दो बार, पानी से या दूध से, ठीक है। तो वजन नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदा होना मुमकिन है। थायराइड है इन्हें खुद को, मोरिंगा का इस्तेमाल कर रही है ये, और आँखों के नीचे सूजन आ गई है। अच्छा, आँखों के नीचे अगर किसी को सूजन हो तो अपना ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें याद से, एक दिन में 5-6 बार, जब बहुत सुकून से बैठे हों तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, 5-6 बार लिख लें कितने टाइम पे कितना, यहाँ पर सूजन आती है ना, यहाँ तो ब्लड प्रेशर की निशानी है, अगर ब्लड प्रेशर हो तो फिर वो जो गोंद मोरिंगा का नुस्खा आप खाते हैं उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला के खाया करें, वो जो थायराइड के लिए खाते हैं, तो फ़ायदा होना मुमकिन है। ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ कि इसको फायदा हो जाए। बालाराम जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार हकीम साहब जी। जय हिंद बाला जी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने जैतून का सिरका 12 दिन से ले रहा हूँ, मेरा बीपी भी बहुत कम हो गया, मतलब बढ़ता था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। बहुत शुक्रिया। और ये गोंद सिया भी ले रहा हूँ मैं, तो कभी मतलब दर्द का बिल्कुल बंद हो जाता है और कभी होता है। कितने दिन से ले रहे हैं आप बालाजी? ये 12 दिन से ये भी ले रहा हूँ, साथ में ही दोनों। ठीक है, ठीक है। और इसको मैंने कैप्सूल में भर लिया, 225 कैप्सूल बने 100 ग्राम में।
तो देखिए आपको 12 दिन में काफ़ी फ़ायदा शुरू हो गया है। ये रॉक मटेरियल कच्ची दवा है, लेकिन भगवान ने इसमें वो शक्ति दी है कि आप महसूस कर रहे होंगे, और कभी ज़रा सा कम कभी ज़्यादा ऐसा होगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल कुदरती दवा है और ये सिरका भी कुदरती है, और आपको बहुत तेज़ी से भगवान फ़ायदा दे रहा है। थोड़ा सब्र करें, ये दवा ख़त्म होते होते आपके दर्द में निवारण मुमकिन है। बस वज़न नहीं उठाएं, और जो मैं एक दो बातें कहता हूँ कि ये वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। आपको बहुत बहुत मुबारक, पेशगी मुबारकबाद एडवांस आपको फ़ायदे के लिए। अब आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जिनको भी ये रोग हो उनको बताएं कि एक ऐसी कच्चा रॉ मटेरियल आता है जिसमें भगवान ने फ़ायदा रखा है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका मैम। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई भाई दवा के लिए। मैं तो वही का नुस्खा यूज करती हूँ, देखो कितने नुस्खे मैंने मंगाया और दिलाती भी हूँ सबको, देती खिलाती हूँ कि चलो किसी को किसी तरह आराम मिले, भरोसा हो जाए सबको कि नहीं हाँ इन दवाइयों में कितना आराम है, कि चूरन इतना अच्छा कि जो कि 10 वीक में खाते खाते पेट में इतनी जल्दी आराम मिल जाती है जो डॉक्टर साहब बताते हैं। और देखिए कलोनी का है मंगाया, एलोवेरा है, इसका सिरका मंगाया, जैतून का नमक है, जैतून का सिरका है, और च्यवनप्राश है, और ये चूरन भी मैंने बनाया, बहुत आराम है। हम तो कह रहे हैं सबसे यही कहते हैं कि अगर भरोसा हो किसी को तो अपनी कंपनी से मंगाए, ना कि कहीं से ना मंगाए, क्योंकि दूसरा कहीं देगा आदमी तो अच्छा नहीं देगा, इसलिए दवा फायदा हो अच्छा हो। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार, मुझे बहुत आराम है, मेरा नाटी भी सही है, हाइट उसकी अच्छी है, मेरा हाथ भी सही हो रहा है, और मैंने चेहरे के लिए मंगाया था तो मेरा चेहरा तो कुछ ठीक हो रहा, लेकिन बाल मेरा सही हो रहा है, क्योंकि मेरी 50 साल उम्र है, उसमें देखो मुझे फायदा हो रहा है, और मैं बहुत भरोसा करती हूँ, सारा काम छोड़ के देखती रहती हूँ, अभी काम तो पड़ा लेकिन मैं तैयारी कर रही हूँ, चलो फट देख लेती हूँ बाद में काम करूंगी। और अभी की दिवाली का कैसे कर लिया है, उनके नाती है 22 साल का, उसके पसीना भी बहुत आता है, पानी बहुत पीता है, और उसके इतनी बदबू पसीने में आती है, तो कह रहे थे अपने डॉक्टर साहब मेरे भी नाते के लिए कोई ऐसी दवा पूछ लेना, तो हमने कहा देखो काल लगाते हैं, अगर लगी जा रही तो पूछ लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी है आपके, मुझे बहुत आराम मिल रहा है, कोई भी दवा लेते हैं मुझे बहुत आराम मिलता है आपकी दवा से। बहुत शुक्रिया, आप वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और देखिए हम ये नहीं कहते हमसे ले लो, हम ये कहते हैं असली ले लो, कहीं से भी लो लेकिन असली लो, क्योंकि बड़ी बेईमानी शुरू हो गई है हमारे समाज में। तो हाँ हम भी दवाएं रखते हैं कि किसी को असली की ज़रूरत हो तो हम पहुंचा सकें, लेकिन हाँ भाई इतना ऑर्डर होता हम दे नहीं पाते, इसलिए हम कहते हैं कहीं से भी लो असली लो, और नकली असली की जिम्मेदारी आप ही की होती है। तो बहुत धन्यवाद हम पर भरोसा करने के लिए। और नाती को वो ज़रा सा नमक जैतून दें, जिनको पसीना बहुत आता है और ये सब परेशानियां हैं, बदबू आती है, तो एक बार दिया करें, इंशाल्लाह उनकी ये तकलीफ, मुझे भगवान से उम्मीद है कि उनको फ़ायदा होना चाहिए। और ये जो गोंद मोरिंगा के नताइज आ रहे हैं, कम आ रहे हैं पता नहीं क्यों, तो इसको अगर ज़रा सा अलसी का पाउडर भी इसके साथ ले लिया जाए तो और ज़्यादा अच्छे नतीजे आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।